ज़रा इमेजिन करें कि ये दीवार एक ज़िंदगी है। वट एवर यू थ्रो एट लाइफ, लाइफ विल थ्रो इट बैक एट यू। क्या थाट है जी। खैर ज़रा सोचें, जैसे ये पिंग पोंग बॉल मेरे पास वापस आ रही है और मैं अलग अलग तरह के स्विंग शॉट्स ट्राई कर रहा हूँ, इसी तरह ज़िंदगी भी आपको अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस देगी। अब आपने बस उनको अपने तरीके से हैंडल करना है। वैसे आज मैनेजमेंट कम्युनिकेशन की क्लास में हमने प्यार के टॉपिक पे बात की थी, इसीलिए आपका भाई काफ़ी सेंटी जा रहा है। आज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्लास थी और हमने करनी थी एक केस स्टडी। वैसे ये सब्जेक्ट काफ़ी ड्राई है, लेकिन हमारे जो एसोसिएट डीन है डॉक्टर अज़हर सिद्दीकी, उन्होंने इस कोर्स को काफ़ी मज़ेदार बनाया थ्रू आउट दिस 2 मंथ्स। अगर आपकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं तो आप OB की बुक पढ़ा करें सोने से पहले, तमाम नींदें वापस आ जाएंगी। लेकिन हमने इस कोर्स में ज़्यादातर केस स्टडीज़ की हैं और जिसकी वजह से हमारी भी रातों की नींदें जा चुकी हैं। ज़िंदगी भी एक अजीब फंडा है। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। वैसे क्लास ख़त्म हो चुकी है, लाइटें जल रही हैं, लाइटें बंद करें। नहीं कैसे बंद होगी, एक तो लाइटें तो जलनी चाहिए, किसी को पता तो चले। माशाल्लाह लड़का अपने काम खुद करता है, दीनदार भी है, काफ़ी मंझा हुआ किरदार है इसका। अगर कोई रिश्ता आंटी ये वीडियो देख रही है तो प्लीज़ टेक नोट्स। यूनिवर्सिटी की छत खुली हुई है और हम जा रहे हैं छत पे। हम क्या, मैं जा रहा हूँ, हम पता नहीं क्यों आ जाते हैं। दिस इज द व्यू फ्रॉम द टॉप, इट्स प्रीटी ओके। आई थिंक वापस जाना चाहिए क्योंकि मगरब की अजानें हो रही हैं और मगरब के टाइम पे छत पर जिन होते हैं। आई डोंट नो, सुना है मैंने। मगरब की नमाज के बाद मैं रवाना हुआ द ग्रेट वॉल की तरफ, जो कराची में शहीद मिल्लत पर पाया जाता है। लेकिन जाने से पहले मैंने यूनिवर्सिटी के गार्ड्स से थोड़ी कचहरी की। अगर आप गार्ड्स, स्वीपर और क्लरिकल स्टाफ से हाथ मिलाना, उनसे गप लगाना और उनकी मदद करना पसंद नहीं करते तो प्लीज़ अपनी मेंटालिटी को तब्दील करें। पाकिस्तान में एक करप्ट और चोर सियासतदान जो नाजायज़ तरीक़ों से पैसे कमाता है, उसकी इज्जत आसमान को छूती है, लेकिन हलाल रिस्क कमाने वाले को कोई पूछता भी नहीं। जब तक हम अपने आप में तब्दीली नहीं लाएंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बर्थडे स्पीच दे दो, बहुत टाइम बाद मिले। वेरी इमोशनल, रोना आ जाएगा, रुलाएगी क्या पगी? वॉल बिग शॉपर चाइनीज पुअर अग्री पीपल बैक साइड। ये इसको पापड़ बोलता है, अच्छा लगता है।
इस तकरीब के बाद मैंने और वकास ने चाय की होटल का रुख किया एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। व्लॉग की शुरुआत चाय के साथ तो नहीं हो सकी, लेकिन ये ख़त्म चाय पर ही होगा।